बीतेगा अगले 20 मिनट का रहा। हम दोनों एक बार फिर से साथ होंगे। पापा जी, बुआ, बेटा, मेघा दी, मुझे मनोज का फोन आया। वो कह रहा है कि 20 मिनट में वो घर के अंदर आ रहा है। कुछ भी हो जाए वो अंदर नहीं आना चाहिए। वो कह रहा है कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। नेपाल, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर। हम यहाँ बंद करते, चलो। मेगा वर्सिंग सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें काफी एक्साइटिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी कि कहानी में इस बार हमें देखने को मिलेगा कि मेगा की जिंदगी में दो बड़ी चुनौतियां आ गई। अब तक तो सिर्फ मनोज था जो उसे बार बार परेशान कर रहा था, बार बार उसकी जिंदगी में परेशानियां लेकर आ रहा था, लेकिन अब मेगा की मुसीबतें डबल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कहानी में हमें एक धमाकेदार सीन देखने को मिल रहा है, जहां पर हम देख सकते हैं कि भाई इस बार अर्जुन की बुआ जी जो है, यानी कि नवजोत जो है, वो कुश्ती का मजा ले रही है, यहाँ पर कुश्ती करवा रही है। और इसी बीच अचानक से यहाँ पर मनोज आ जाता है। और जैसे ही मनोज आता है तो हम सभी दर्शकों के मन में एक सवाल उठता है कि भाई आखिर मनोज यहाँ पर क्या कर रहा है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर मनोज का एक बड़ा बयान होता है नवजोत के सामने। वो कहता है कि भाई आपने बिल्कुल सही घोड़े पर पैसा लगाया है, अब आप मेरा कमाल देखो। लेकिन भाई अब स्टेटमेंट से ये तो साफ हो जाता है कि नवजोत और मनोज ने हाथ मिला लिया है, दोनों के बीच में डील हो गई है, क्योंकि दोनों का एम एक ही है, दोनों का टारगेट एक ही है, वो मेघा। जी आपको बता दूं कि अब ये दोनों मिलकर मेघा की जिंदगी में कई सारी परेशानियां लेकर जाने वाले हैं, कई सारी चुनौतियां लेकर जाने वाले हैं। और भाई हमारी मेघा किस तरीके से अब इन दोनों की मुश्किलों का सामना करेगी, किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगी, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वही कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से बार बार मनोज जो है वो चाल पे चाल, साजिश पे साजिश कर रहा है मेघा के खिलाफ। और इस बार उसने मेघा को धमकी दी थी कि वो मेघा की कुछ प्राइवेट वीडियोस को लीक कर देगा, जिसमें वो और मेघा है कुछ प्राइवेट मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो की धमकी देते हुए मनोज ने मेगा को डराया कि वो वीडियो को वायरल कर देगा और वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अब यहाँ पर मेगा और उसके घर वाले बेहद परेशान हो जाते हैं। तो भाई आगे कहानी में हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर अचानक से मनोज की एंट्री होती है मेगा के घर के बाहर, जहाँ पर हम देखते हैं कि मनोज बिल्कुल बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ नाचते गाते एकदम खुशी खुशी मेगा के घर के बाहर पहुंचता है। और जैसे ही वहां पर वो पहुंचता है तो वो माइक में पूरे मोहल्ले वालों के सामने, समाज वालों के सामने मेगा से माफी मांगता है, अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। और यहां पर वो काफी ज्यादा ड्रामा, काफी ज्यादा तमाशा करता है, खुद को थप्पड़ मारता है, मेगा के पैरों में गिरकर माफी मांगता है, पापा जी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। लेकिन भाई यहां पर घर वाले जो है मनोज को देखना भी नहीं चाहते और उसके पूरे अगेंस्ट है। इसी के साथ यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मनोज जो है जानबूझकर ये सब ड्रामा क्रिएट कर रहा है, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है, लेकिन वो साजिश क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों आप हमें बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि क्या इस बार मनोज को सच में उसकी गलती रियलाइज हो गई है, या फिर इन सभी ड्रामा के पीछे कोई तो कोई साजिश छिपी हुई है।